हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक साउथ इंडियन डिश की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि है उत्तपम और नारियल की चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँचे। ये मैंने एक कटोरी उड़द की दाल ली हुई है और 3 कटोरी नॉर्मल वाला चावल है। इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। फूल जाने के बाद इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर ही 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। उत्तपम में डालने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हुई है, जो कि है 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, हरी मिर्च है 7 से 8 बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर है बारीक कटे हुए, 1 कैप्सिकम है बारीक कटा हुआ, धनिया की पत्ती हैं बारीक कटी हुई और करी पत्ते। हमारा बैटर फर्मेंट हो गया है, चलिए इसमें हम सब्जियां मिला देते हैं। उत्तपम के बैटर में अगर आप गाजर काट कर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, हरे मटर आते हैं वो भी डाल सकते हैं। मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा मिर्च डालें। अब मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ। नमक मिला लेने के बाद मैं तवा गरम कर लिया है और इसमें मैंने घी डाल दिया 1 चम्मच। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और लो करके ही मैं बैटर डाल दूंगी। बैटर को मैं अच्छे से फैला लूंगी। फैलाने के बाद इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। उसके बाद मैं इसे चेक कर लूंगी, अगर एक साइड से हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो इसे मैं पलट दूंगी। पलटने के बाद थोड़ा कलछी से दबा दूंगी। दबाने के बाद इसे फिर से मैं ढक दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए और ढककर दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लूंगी। ये हमारा उत्तपम तैयार हो गया है। अब उत्तपम के साथ सर्व करने के लिए चलिए नारियल की चटनी बना लेते हैं। ये मैंने नारियल को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे फ्लेम पे रख दिया है। फ्लेम पे रखने से नारियल निकालने में आसानी होती है। फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए रखना रहता है। ये मैंने नारियल निकाल लिया है, उसे मैंने छील लिया है। आप छिलका के सहित भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे बारीक काट लिया है। अब इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। इसे रोस्ट करने के समय तेल नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट ही करना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। हल्का हल्का ब्राउन जब हो जाएगा नारियल, तब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब इसे मैंने निकाल लिया और चने के दाल को भी भून ले रही हूँ मैं। चने के दाल को भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन ही करना है। और रेशियो आप अगर 1 कटोरी चने का दाल ले रहे हैं तो 2 कटोरी नारियल का टुकड़ा लें। चने का दाल भी देखिए अच्छे से भून गया है, ब्राउन हो गया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। चटनी में हम चने के दाल और नारियल के सिवा हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये चटनी के तड़के के लिए मैंने तेल गरम किया है। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें राई डाल दिया। राई जब चटकने लग रहा है तो मैं इसमें हरी मिर्च डाल दे रही हूँ और उसी के साथ 1 सूखी मिर्च भी डाल रही हूँ। और मिर्च को भूनने के बाद इसमें मैं करी पत्ते को डाल दे रही हूँ। ये मैंने चटनी में नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार और तड़के को भी डाल दिया। अब इसे मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। हमारी चटनी तैयार हो गई है उत्तपम के साथ सर्व करने के लिए।
ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी हिट कर दे। बाय फ्रेंड्स।